बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज हम इंग्लिश की दूसरी क्लास के साथ हाजिर हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ अल्फाज पढ़े थे, आज हम उन अल्फाज को जुमलों की सूरत में इस्तेमाल करना सीखेंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो हम वो बात जुमलों की सूरत में कर रहे होते हैं। बेसिकली जुमला या सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस असल में मुख्तलिफ अल्फाज को हम जो एक सही तरतीब में लिखते हैं या बोलते हैं उसको जुमला कहा जाता है। सो गाइस, आज हम सीखेंगे कि इन अल्फाज को जुमलों की सूरत में कैसे लिखा जाता है। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। सो फॉर मेकिंग अ सेंटेंस, व्हाट वी नीड, हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, किस चीज की हमें जरूरत होती है। सो लेट्स सी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें एक जुमला बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। द सेकेंड थिंग, वर्ब। दूसरी चीज जो हमें चाहिए इसमें, वो चाहिए वर्ब। एंड द थर्ड थिंग वुड बी ऑब्जेक्ट। जो तीसरी चीज हमें इसमें चाहिए वो है हमारा ऑब्जेक्ट। अब बात ये है कि हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, बेसिकली ये हमारे जुमले की तरतीब है कि जो हमने अल्फाज को अरेंज करना है, जो अल्फाज को हमें एक तरतीब में लिखना है वो हम इस तरतीब में लिखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या चीज है। सो गाइस, सब्जेक्ट इज अ वर्ड or a phrase which shows who or what does the action in a sentence. A word, एक लफ्ज और अ फ्रेज या फिर एक फ्रेज विच शोज, जो कि जाहिर करता है हु, कौन और व्हाट या फिर क्या, डज द एक्शन, काम करता है इन अ सेंटेंस, जुमले में। यानी कि एक ऐसा लफ्ज या फिर एक ऐसा फ्रेज जो कि ये जाहिर करता है कि जुमले में काम कौन कर रहा है या क्या चीज है जो जुमले में काम कर रही है। तो शॉर्टकट में अगर अपने अल्फाज में कहना चाहूं तो मैं ये चीज कहूंगा कि जुमले में सब्जेक्ट कहा जाता है उसको जो काम करने वाला होता है। तो शॉर्टकट ये कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉलेज जाता हूं। अब ये एक सेंटेंस है या ये एक जुमला है। अब इस जुमले में मुझे ये देखना है कि ये काम कौन करता है। मैं कॉलेज जाता हूं, तो ये काम कौन करता है, कॉलेज कौन जाता है, मैं जाता हूं, तो मैं यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। सेम लाइक दैट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब हम क्रिकेट खेलते हैं, इस जुमले के अंदर ये काम कौन करता है, क्रिकेट कौन खेलता है, हम खेलते हैं, सो हम यहां पर सब्जेक्ट है। गाय घास खाती है। अब ये काम कौन करता है, यहां पर इस जुमले को अगर हम देखें तो ये काम गाय करती है। घास कौन खाती है, गाय खाती है, सो गाय यहां पर सब्जेक्ट है। तो सिंपल ये कि जुमले के अंदर काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। सो गाइस, चले हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सो हमारा सेकंड पॉइंट है वर्ब। सो What is a verb? Verb होता क्या है, तो चले देखते हैं। A word which shows
the action occurrence or a state. A word, एक लफ्ज विच शोज जो कि जाहिर करता है द एक्शन किसी एक्शन को अकरेंस किसी वाक्य को और अ स्टेट या फिर किसी हालत को. ओके सो फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज जाता हूं. सो यहां पर काम करने वाला कौन है? मैम. तो मैं हो गया सब्जेक्ट. लेकिन अब देखना यह है कि मैं करता क्या हूं. सो जाता हूं, ये यहां पर हमारा वर्ब है. सेम लाइक दैट हम क्रिकेट खेलते हैं. ये काम कौन करता है? हम करते हैं. तो हम हो गए सब्जेक्ट. अब हम करते क्या हैं? खेलते. सो खेलते यहां पर वर्ब है. ओके आप इंग्लिश सीखते हैं, ये काम कौन करता है? आप करते हैं. तो आप हो गए सब्जेक्ट. लेकिन आप करते क्या हैं? सीखते हैं. तो सीखना वर्ब है. ओके अगर मैं शॉर्टकट अपने अल्फाज में इस चीज को बयान करूं तो वर्ब कहा जाता है जुमले के अंदर जो भी काम हो रहा होता है. यानी कि सिंपली पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि काम करने वाला कौन है, कौन है जो एक्शन को सर अंजाम दे रहा है या काम को सर अंजाम दे रहा है. फिर दूसरे नंबर पे काम कर क्या रहा है, ठीक है. तो वर्ब हो गया कोई भी काम. तो सेकंड नंबर पे जो आपने चीज लिखनी होती है वो है वर्ब. सो हमारी तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट क्या है? अ वर्ड or a phrase which is affected by the action of a verb. A word, एक लफ्ज और अ फ्रेज या फिर एक फ्रेज विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, जिस पर किसी वर्ब का या किसी काम का असर हुआ होता है. तो यानी कि शॉर्टकट अगर मैं अपने अल्फाज में समझाऊं तो जिस चीज पर काम वाकया हो रहा होता है उस चीज को ऑब्जेक्ट कहा जाता है. मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं. अब ये एक जुमला है. अब मैं यहां पर सब्जेक्ट है क्योंकि मैं ये काम करता हूं. मैं काम क्या करता हूं? पढ़ाता हूं. तो ये काम हो गया. लेकिन पढ़ाता क्या चीज हूं? ये पढ़ाने का अमल किस चीज पे हो रहा है? इंग्लिश पे. तो इंग्लिश यहां पर ऑब्जेक्ट है. ओके सो सेम लाइक दैट गाय घास खाती है. सो ये काम कौन करता है? गाय करती है. सो गाय सब्जेक्ट है. काम क्या करती है? खाती है. सो ये वर्ब है. लेकिन खाती क्या चीज है? ये खाने का अमल किस चीज पे हो रहा है? घास पे हो रहा है. तो घास जो है ये ऑब्जेक्ट है. ओके सो आपने ये चीज याद रखनी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज है, जिस चीज पर काम वाकई हो रहा है. ओके अगर मैं सादा अल्फाज में इस स्ट्रक्चर को समझाना चाहूं तो सिंपल मैं ये कहूंगा कि सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम एंड ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा हो. जब भी आपने एक उर्दू जुमले को इंग्लिश में लेके आना है तो उसके लिए आपने इस तरतीब को फॉलो करना है या इस ऑर्डर को, इस अरेंजमेंट को फॉलो करना है कि सबसे पहले आपने उर्दू जुमले के अंदर यह चीज देखनी है कि इस जुमले में काम कौन कर रहा है, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है. दूसरे नंबर पे फिर यह देखना है कि यह बंदा या ये चीज काम क्या करती है, उसकी इंग्लिश लिखनी है. और उसके बाद फिर तीसरी चीज आ जाएगी
कि ये चीज़ नोटिस करनी है कि किस चीज़ पर वो काम करता है। ओके, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आप हज़ारों के हिसाब से जुमले खुद से बना सकते हैं अगर आपको उन अल्फाज की इंग्लिश आती हो। तो चलें गाइस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ उर्दू स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो सो गाइस शुरू करते हैं। ये हमने कुछ चार पांच स्टेटमेंट्स लिखी हैं, अब इन स्टेटमेंट्स को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। सो गाइस हमने फॉलो करना है इस स्ट्रक्चर को। ओके, तो आप देखें कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है। अब इस जुमले को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, काम करने वाले को। मैं किताब पढ़ता हूँ, तो अब इसमें सबसे पहले मैं ये नोटिस करूँगा कि ये काम कौन करता है इस जुमले में। तो ये किताब कौन पढ़ता है, तो किताब कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ। तो मैं की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, तो मैं की इंग्लिश क्या है, आई। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, इसके बाद दूसरी चीज आ जाएगी वर्ब। वर्ब किसको कहा जाता है, काम को कहा जाता है। तो अब देखना यह है कि मैं काम क्या करता हूं, तो मैं पढ़ता हूं। मैं किताब पढ़ता हूं तो मैं काम कौन सा करता हूं, पढ़ता हूं। तो अब दूसरे नंबर पे जो मुझे इंग्लिश लिखनी होगी वो पढ़ना की इंग्लिश है, तो पढ़ना की इंग्लिश क्या है, रीड, आई रीड। दो चीजें होगी। अब तीसरी चीज के पढ़ता क्या हूं, ये पढ़ने का अमल किस चीज पे हो रहा है। अब देखिए इसकी इंग्लिश मैं लिख चुका हूं, इसकी इंग्लिश भी हो चुकी है, तो ये पढ़ने का अमल किस चीज को पढ़ा जा रहा है, किताब को पढ़ा जा रहा है, तो किताब की इंग्लिश तीसरे नंबर पे आ जाएगी। तो किताब की इंग्लिश होती है बुक। तो आपकी यही स्टेटमेंट जो आप उर्दू में ये कह रहे हैं कि मैं किताब पढ़ता हूं, इंग्लिश में ये होगा आई रीड बुक। ओके, सेम लाइक दैट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हम खाना पकाते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि काम करने वाला कौन है, ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है हम। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। ओके, सेकंड नंबर पे आ गया काम, कि अब हमें ये देखना है कि ये काम हम करते क्या हैं, क्या काम करते हैं। इस जुमले के अंदर हम काम क्या करते हैं, पकाते हैं, तो पकाना की इंग्लिश क्या होती है, कुक, वी कुक। ओके, पकाते क्या चीज है, ये काम किस चीज पे हो रहा है, तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पकाते किस चीज को है, खाने को, We cook the food. Okay, so your statement is complete. हम खाना पकाते हैं, in English, we cook the food. हम खाना पकाते हैं. Same like that, we move to third statement. Our third statement is, आप English बोलते हैं. So, सबसे पहले ये देखना है कि ये काम कौन करता है. सबसे पहले subject देखना है. काम करने वाला कौन है? आप हैं. आपकी English क्या है? You. Okay. काम क्या करते हैं, बोलते हैं, सर स्पीक। थर्ड थिंग के बोलते क्या है, इंग्लिश, सर इंग्लिश। सो योर कंप्लीट स्टेटमेंट इज यू स्पीक इंग्लिश। वो कपड़े खरीदती हैं, मतलब वो काम कौन करता है, वो, यानी कि वो ज्यादा है, वो लेडीज हैं, वो लड़कियां हैं, सर वो, जमा की इंग्लिश क्या होती है, दे। फिर काम क्या करती हैं, वो खरीदती हैं, बाय, दे बाय। खरीदती क्या चीज है, कपड़े, सर क्लोथ्स, दे बाय क्लोथ्स, वो कपड़े खरीदती हैं। सेम लाइक दैट द लास्ट स्टेटमेंट इज आसिम और आमिर क्रिकेट खेलते हैं, सर काम कौन करता है, आसिम एंड आमिर, आसिम एंड आमिर, ये दोनों काम करते हैं। सो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, देन काम क्या करते हैं, खेलते हैं, प्ले। क्या चीज खेलते हैं, क्रिकेट। सो आसिम एंड आमिर प्ले क्रिकेट, आसिम और आमिर क्रिकेट खेलते हैं। सो गाइस आपने मेन आपकी ये स्ट्रक्चर है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हजारों के हिसाब से जुमले आप खुद से बना सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज द मेन पॉइंट, ये हमारा मेन पॉइंट है। और अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आप आसानी से हजारों के हिसाब से जुमले बना सकते हैं अगर
इन अल्फाज की आपको इंग्लिश आती हो. ओके, सो गाइस आज हमने सीखा कि एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो हमने समझा कि हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है. नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू वर्ब एंड नंबर थ्री ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मैंने बताया कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है. ये आपकी सबसे पहली चीज़ है जो आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए सबसे पहले नंबर पर रखनी है. दूसरे नंबर पर आ जाएगा वर्ब. वर्ब कहा जाता है किसी भी एक्शन या किसी भी स्टेट को, मतलब किसी भी काम को. आप सिंपल अपने अल्फाज में काम कह सकते हैं. कि देखना ये है कि जो काम करने वाला है वो काम क्या कर रहा है. और फिर तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट, यानी कि ये काम किस चीज़ पर हो रहा है. बस ये तरतीब आप अपने जहन में रखें और इस तरतीब को मद्देनजर रखते हुए आप हज़ारों स्टेटमेंट्स आसानी से खुद से बना सकते हैं. सो गाइस ये आप लोगों का होमवर्क है. 10 स्टेटमेंट्स हैं जो कि एज अ होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. ओके, सबसे पहली स्टेटमेंट है हम किताबें खरीदते हैं. नंबर टू वो म्यूज़िक सुनते हैं. नंबर थ्री आप फिल्में देखते हैं. नंबर फोर मैं बर्गर पसंद करता हूँ. नंबर फाइव हम चाय पीते हैं. नंबर सिक्स आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं. नंबर सेवन मैं फुटबॉल खेलता हूँ. नंबर एट आप उर्दू बोलते हैं. नंबर नाइन अली और साकिब कॉलेज जाते हैं. और नंबर टेन हम जूस पीते हैं. सो गाइस ये 10 स्टेटमेंट्स आपने अपने तौर पे कोशिश करनी है. खुद से आपने इन स्टेटमेंट्स को बनाना है और बना के इनको बोलने की कोशिश करनी है. बिकॉज स्टेटमेंट्स लिखना अलग चीज़ होती है, इनको बोलना एक अलग चीज़ है. सो हम बात कर रहे हैं स्पीकिंग की. ओके, सो आप जितना ज़्यादा आप इन अल्फाज को, इन जुमलों को अपनी ज़बान से अदा करेंगे उतना ज़्यादा आपकी रवानी बनती चली जाएगी. सो गाइस कल ये स्टेटमेंट्स मैं खुद भी बना के आपको बताऊंगा, तो आप देख लीजिएगा कि आपने उन स्टेटमेंट्स को कैसे बनाया था और मैंने इन स्टेटमेंट्स को कैसे बनाया है. अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है डजंट मैटर, स्टार्ट है, स्टार्ट में डेफिनेटली थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी, बट कोई मसला नहीं है. आपने कोशिश करनी है अपनी तरफ से इस काम को करने की, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं. सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपके आज के लेसन को आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, एंड इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेसन के साथ. विश यू ऑल द बेस्ट. सो अल्लाह हाफिज़.